सुंजना इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर उन्होंने दो पाकिस्तानी टेररिस्ट को मार गिराया है। आपको बता दूं कि आज तड़के करीबन 4:30 बजे एक एनकाउंटर जो है वो सुंजना इलाके में शुरू हुआ, जिसमें कि सबसे पहले एक बस जो कि जो सीआईएसएफ के जवानों को लेकर यहाँ से उसमें यहाँ पर जो है वो हमला किया गया ग्रेनेड से कुछ आतंकियों ने, और उसके बाद यहाँ पर एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ। आपको बता दूँ कि इससे पहले एएसआई का एक जवान जो उसमें मौजूद था उसी गाड़ी में वो शहीद हुआ, और इसके अलावा सीआईएसएफ का जो एएसआई है वो शहीद हुआ। उसके बाद एनकाउंटर जो है बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, और इसी आगे छोड़कर जो है यहाँ पर एनकाउंटर साइट यहाँ पर है जहाँ पर दो फिदायनी जो है वो छुपे हुए थे। और अभी डीजीपी दिलबाग सिंह ने खुद कंफर्म किया है कि जिस तरह के इक्विपमेंट, जिस तरह के बेल्ट और जिस तरह का असला उनके पास था, एक बड़ा साजिश जो है वो कर सकते थे, पर समय रहते जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें उनके इरादों पर पानी फेरा और उनको मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दूं कि बड़े प्लानिंग करने के साथ ये आतंकी जो है वो इरादा लेकर आए थे, और जिस तरह से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनकी विजिट 24 अप्रैल को जम्मू की होने वाली है, पल्ली यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर दूर एक उनकी जो मुखातिब होंगे आम जनता से, और बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में करीबन 1.5 से 2 लाख जनता वहाँ पर मौजूद होगी। उससे पहले इस तरह की कोशिश साफ तौर पर दर्शाती है कि पाकिस्तान लगातार इस तरह की कोशिशें जो है वो कर रहा है ताकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा सके और यहाँ पर कहीं ना कहीं माहौल जो है वो ख़राब किया जा सके। पर लगातार अगर हम बात करें तो जम्मू और कश्मीर की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की क्राइसिस रिस्पॉन्स टीम यानी कि सीआईएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके अलावा एसओजी और जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उन्होंने एक बड़ा रोल यहां पर अदा किया, और इन जवान सिपाहियों ने हमारे जम्मू कश्मीर से एक और जो हरकत करने की कोशिश की आतंकियों ने की, उसे पूरी तरह से नाकाम की। और लगातार अगर हम बात करें तो ये जो आतंकी मार गिराए गए हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है, और बड़ा हमला करने की साजिश आतंकियों ने की, उसमें कोशिश उन्होंने की कि यहाँ पर जो एक बस है उसे पूरी तरह से उड़ा सकें, और कहीं ना कहीं समय रहते कार्रवाई जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने की, घात लगाकर ये ऑपरेशन किया, और उसके बाद उन्हें दो आतंकियों को मार गिराकर कामयाबी मिली। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह खुद स्पॉट पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बड़ा फिदायनी अटैक करने की साजिश ये आतंकी लेकर आए थे, पर जम्मू और कश्मीर पुलिस ने उनको यहां पर मुंह तोड़ जवाब दिया अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर।